क्यों इसे न्याय का अंतिम रास्ता कहा जाता है, किन हालात में क्यूरेटिव पिटीशन फाइल की जाती है और आगे भी निर्भया के दोषियों के निर्भया के दो गुनाहगारों के क्यूरेटिव पिटीशन पर ताजा अपडेट जो भी आएगा हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर है, राजधानी दिल्ली में शाहीन बाग कालिंदी कुंज सड़क खुलवाने की मांग पर आज दिल्ली हाईकोर्ट में हियरिंग है। जामिया में पुलिसिया कार्रवाई के खिलाफ प्रदर्शनकारी एक महीने से बीच सड़क पर जमे हुए हैं। हाईकोर्ट में दायर याचिका में कहा गया है कि 15 दिसंबर के बाद से ही मथुरा रोड से कालिंदी कुंज की तरफ जाने वाली सड़क प्रदर्शनकारियों ने बंद कर रखी है, जिसकी वजह से रोजाना हजारों लाखों लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो इसी पर आज सुनवाई है। दरअसल शाहीन बाग की वजह से दिल्ली और नोएडा को जोड़ने वाला जो रास्ता है कालिंदी कुंज से होकर के ये पैच गुजरता है और पिछले एक महीने से बंद है। सड़क पर लगभग 200 से 250 दुकानें हैं, सारी दुकानें बंद हैं और सड़क की वजह से दूसरी बाकी जो सड़कें हैं पूरे दिन जाम रहती हैं। अगर आपका आपकी कोई मंजिल आपको एक घंटे में तय करनी है तो ढाई घंटे में पूरी होती है। दो दिन पहले ही धरने से परेशान स्थानीय लोग भी धरने के विरोध में सड़क पर उतर आए और धरना हटाने और रोड खोलने की मांग की थी। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, एक सीए के खिलाफ धरना हो रहा है और एक धरने का विरोध करते हुए जो कुछ लोग सड़क पर उतर आए हैं। सीए के विरोध में शाहीन बाग में लगातार प्रदर्शन हो रहा है, दिन हो चाहे रात यहां पर नागरिकता कानून के खिलाफ लोग आवाज उठा रहे हैं। इनमें महिलाएं भी हैं और महिलाएं देखिए अपने बच्चों के साथ में सड़क पर उतरी हुई हैं। पिछली रात की हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। इनकी मांग क्या है और याचिका में दलील क्या दी गई है, पिटीशन में क्या कहा गया, ये देखिए। कालिंदी कुंज वाला रास्ता एक महीने से बंद है, रोड बंद होने से लोगों को बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा है, ये याचिका में दलील दी गई है। रोड को जल्द से जल्द खुलवाया जाए, रोड बंद होने से लोगों को बहुत परेशानी हो रही है, पेशेंट भी यहां से होकर के जाते हैं, कालिंदी कुंज वाला ये पैच एक महीने से बंद है, इसे खुलवाया जाए, ऐसा पिटीशन में कहा गया है।